हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आलस के विषय में। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको आलस को त्यागना होगा। मित्रों, आपके जीवन में आलस को हटाना होगा आपको। जब इस आलस को अगर आप अपने जीवन से नहीं हटाएंगे, तो आप किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। आराम किसे पसंद नहीं है? इसे घूमना फिरना, मौज मस्ती करना किसे पसंद नहीं है? लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना, आगे बढ़ना और आलस को त्यागना, तभी आप उस मुकाम पे पहुंच पाओगे जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो। क्या आपने सोचा है कभी सूरज ने कभी आलस किया है? नहीं किया है। वो रोज सुबह अपने नित्य समय पर चलता है और रात को शाम को वापस नित्य समय पर अपने स्थान पर पहुंचता है। क्या वो भी तो कभी आलस कर सकता है? लेकिन नहीं, वो भी नहीं करता है। वो डेली अपने काम में कंसिस्टेंसी रखता है। वो आपको ही उस काम में कंसिस्टेंसी रखनी है। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, आलसी चिड़िया और किसान की। यह कहानी सुनने के बाद में आप आलस को तुरंत आज अभी से त्याग दोगे। उस आलस का क्या परिणाम होता है आप इस कहानी में जानोगे। आलस इंसान को बर्बादी की राह पे ले जाता है। उस कहानी क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बार एक चिड़िया होती है सुंदर वन में, बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही मधुर आवाज़ की होती है। वो रोज दाना चुनने के लिए जंगल में जाती है और रोज लाती है और अपने बच्चों को भी खिलाती है और वो भी खाती है। लेकिन उसे हमेशा उसको आलस लगता है कि यार, कि रोज रोज ये काम क्या है यार, जंगल जाना और अपने लिए खाना ढूंढना, उसको ये आलसी भरा काम लगता था। उसको ऐसा लगता था कि काश मुझे बैठे बिठाए मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। एक बार एक किसान जंगल से जा रहा होता है, एक संदूक में कीड़े लेके भर के लेके बाजार जाता है, उसे कुछ बेच के और कुछ पैसे मिल जाए, वो जंगल से जा रहा होता है। तो चिड़िया उस किसान से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहे, मैं संदूक लेके ये कीड़े लेके जा रहा हूँ और मार्केट में बेचूंगा और मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। तो वो चिड़िया कहती है कि आप इसे क्या करोगे? तो मैं इसे सुंदर सुंदर पंख खरीदूंगा। अब देखिए, नोट करिए आप। तो चिड़िया कहती है कि पंख तो मेरे पास भी है, आप ये कीड़े मुझे दे दीजिए, मैं इसे पेट भर लूँगी, मुझे भी जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको पंख चाहिए, मैं पंख दे दूँगी। किसान कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो पंख दे दे मेरे को। अब ऐसे करते 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 रोज चिड़िया एक पंख किसान को देती है, किसान उसको कीड़े वाला संदूक उस चिड़िया को दे देता, चिड़िया का पेट भर जाता और किसान का काम हो जाता। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि चिड़िया के पास मित्रों एक भी पंख नहीं बचता है। यह उसके आलस का परिणाम होता है, उसके पास एक भी पंख नहीं बचता है और वो कुरूप सी हो जाती है और ना तो वो उड़ सकती थी ना वो चल सकती थी। वो अपने लिए दाना भी चुनने जंगल में नहीं जा सकती थी और अगर उसके पास पंख नहीं थे तो फिर किसान ने भी उसको वो कीड़े देने से मना कर दिया। अब देखिए उसका परिणाम देखिए, धीरे 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 वो भूख से तड़पने लगती है, कोई उसकी मदद नहीं करता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उस चिड़िया की तड़पते तड़पते मौत हो जाती है। तो देखिए इस आलस का परिणाम, उस आलस का क्या परिणाम था कि ये देखिए उसकी मौत लिखी हुई होती है। वो अपने पंख देती रहती है किसान को, उसको पता नहीं कि मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। आखिर आप आलस में कितने दिन गुजार लोगे? एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते हो, आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, कभी अगर आलस करने का मन भी आए तो इस कहानी को सोचना। आपके अंदर से वही जोश, उत्साह और उमंग वापस आएगा और आप आलस करना छोड़ देंगे। इस कहानी के बारे में सोचना कि इस आलस से क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को, आप आलस करना भूल जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ आज यहीं, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।